नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लुधियाना, जहां पर सीएम भगवंत मान संबोधित कर रहे हैं। ट्रैक्टर आंदा है, ट्रैक्टर टाइप ही होंदा, वो थोड़ा जा जहाज नु पाके हुक पाके उनु एदा कर देंदा, एदा इथों जहाज नु रनवे देखण लग जांदा। फिर वो ट्रैक्टर नु कहंदा हुण तू परां हो जा, हुण मैनू अपने इंजणां ते यकीन है। मैनू स्टूडेंटां दे टैलेंट ते, नौजवान मुंडे कुड़ियां छोटे बच्चे बच्चियां दे टैलेंट ते कोई शक नहीं, वो बहुत बड़े बड़े जहाज बन सकते हैं, पर तुसी उन्हां दे ट्रैक्टर बन जाओ, उन्हां नूं रनवे वल सीधा कर दो। बस तुसी रनवे वल सीधे करते वो आप ही उड़ जाएंगे अपने इंजणां दी ताकत नाल। असीं तुहानूं माहौल देवांगे कि तुसी उन्हां नूं उड्डण वास्ते तैयार कर सको, क्योंकि आम तौर पर कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों च पढ़ाई नहीं, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट का भी यही है कि जिहदे कोल थोड़े जे पैसे आ गए कहिंदा चल मेरी जिंदगी तो जिवें ना किवें लंघ गई, चल जवाक नूं तां किते वधिया स्कूल च पढ़ा लईए। यह आपां रिवर्स कर देना कि वह कहे कि मैं भी वधिया जिंदगी जिऊंगा, बच्चे नूं सरकारी स्कूल च ला के अफसर बना लिए। जिस दिन बच्चे अफसर बन लग गए उस दिन आपके घर दियां गरीबियां चक देंगे, तो गरीबियां चक्कियां गई तो सोच बदल जूगी। तो आम तौर पर जिहड़े साढ़े इस तों पहलां साढ़े हुक्मरान रहे ने जान बुझ के अनपढ़ता वल लैके जाते सी ताकि हाथी बन्ने रहने ना दे, लेकिन दे नौवीं तक अठवीं तक कोई फेल ही नहीं करना। बच्चे का पता ही नहीं लगता कि किहड़े सब्जेक्ट चों वीक है, किहड़े सब्जेक्ट जे कोई वीक है उन्हूं थोड़ा जा वध पढ़ा सकते हैं घंटा। अठवीं तक फेल नहीं करना, नौवीं चों 80-90% फेल हो जाते हैं, कहिंदे आ जाओ आटा दाल स्कीम च आ गए हुण तुसीं, बस आ सोच है। बस मैनू एक, क्योंकि असीं ग्राउंड ते बहुत जाने, एक गरीब बंदा मैनू मिलिया बेचारा, मैनू कहिंदा वी साडी तां अगली पीढ़ी भी गई। मैं की हो गया, कहना बच्चे सरकारी स्कूल च पढ़ते हैं। मैं क्या की गल, टीचर घट ने या ना टीचर तो है ने, कहना तो फिर होर क्यों, फिर की क्यों गई थोड़ी अगली पीढ़ी? कहना भी ऐ कहा हो स्कूल तो भी कापियां किताबा भावें घरें भुल आया करो, कौली तो चमचा नहीं भुल के आना, सानू फिर उपरों अफसर वालों फिर हदायत हुई ला। दसो तुम की करो, अद्धा दिन तो दलिया बनाने लंघ जाता, मिड डे मील से लंघ जाता, की करिए कदों पढ़ाइए? फिर तुहानू माहौल मिलेगा, तुहानू माहौल देवांगे, तुहानू वधिया लगेगा कि हाँ साडा कोई संस्था हैगी है, तो लोग आया करनगे फोटो खिचाउण कि आ स्कूल है यार। हैगे ने कुछ परसेंट स्कूल इदां दे हैगे ने जिहड़े देखण नू बहुत वधिया लगते हैं, तो टीचर भी अच्छे ने, टीचर तो खैर मैनू कोई डाउट ही नहीं इस गल ते। सो मैं तुहानू बेनती करदा जो भी तुहाडा आइडिया कि जी सबजैक्ट मैथ नूं आपां इदां कर दिए, आपां एनवी क्लास तो मैथ शुरू कर लिए, जिहड़े मैथ च इंटैलीजेंट ने उन्हां नूं फिर आपां आ माहौल दे दिए कि उधर ही जाणगे उह। हुण अपने पढ़ाई जाने बस उहदा आम जिंदगी च कदे तुसीं दस दो, मैथ मैथ दे बैठे होणगे, मेरे डैडी मैथ टीचर सी, तुसीं टैन थीटा जा कॉस थीटा जा फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी का फार्मूला ला के कहीं बाजार चो सब्जी खरीदी है? पढ़ाई जाते हैं कम, कोई लाइफ च प्रैक्टिकल च कोई कम नहीं आ रहा। वो एक हैगा कि पोस्टमैन दियां पोस्टा निकलिया डाकी रखने सी, ते आया एक कैंडिडेट, वो कहते बाकी सारा तेरा ठीक है, क्वालिफिकेशन ठीक है, इंटरव्यू होनी है, कहते हाँ जी, कहते धरती तो चंद तक की कितनी दूरी है? वो कहते जी जे इस रूट पर चिट्ठियां बंडनी फिर मेरे वालों जवाब है जी। रखने डाकिए ने पूछी जाने चंद की दूरी, तुसी कोई उन्हूं होर पूछ लो भी किहड़े पिंड तो किहड़ा पिंड कितनी दूर है। सो सानू तां असी सबजैक्ट जिहड़े ने ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
काम आउण, जिंदगी च काम आउण। और जेड़ा बच्चा जेड़े सब्जेक्ट वल जाना चाहता है उन्हें पहला तो ही लेके जाइए उधर नू। अमेरिका कनेडा दे मैं सिस्टम समझा होया, उत्थे किसी भी सवाल का जवाब गलत नहीं है। तुहाडा ओपीनियन, बच्चे नू कहो फास्ट फूड सेहत लई चंगा है या माड़ा है, जे बच्चे ने लिखता चंगा है तो वह एक्सप्लेन करूगा किवें चंगा है, उन्हें भी नंबर मिलने। जिन्हें माड़ा कहता वह एक्सप्लेन करूँ किवें माड़ा है, उन्हें भी नंबर मिलने। साढ़े इतने एम बी डी गाइडा, जो एम बी डी लिखा जे तो उ अखर लिखते ठीक है, जे वध घट लिखता ना भी तो गलत है। तो की पता है भाई मैं एम बी डी वाले तो ज्यादा शहर होव, मेरा कोई होर आइडिया हो, मैदा मेरे कोई होर फार्मूला हो, नहीं करना। आप बच्चों तो ओपीनियन पूछना कि तेरा की तू तैं कि फार्मूला लाया है इनू हल करने वास्ते। जवाब सही है, फार्मूला वो नहीं लाया जो किताब च है, फिर जवाब गलत है। उन्होंने पूछो भी तैं कि लाया फार्मूला, बल्कि उन्होंने एप्रीशिएट करो यार कमाल का नवा फार्मूला बनाता तू। सो ये चीज़ा आप करनिया ने, आप किता मुखी सबजैक्ट ताकि स्कूलों चो कॉलेजों चो बेरोजगार ना निकल, वो डिग्रियां लैके टैंकियां ते ना चढ़ना पवे, वो कोई ना कोई काम शुरू करन, स्टार्टअप देवांगे, इंडस्ट्री लैके आ रहे हैं सारी इतने वापस, वो इंजीनियर बन गए बड़े 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 टाटा स्टील टाटा एनर्जी साढ़े को बहुत बड़े बड़े कंपनियों नाल गल चल रही है, फैक्ट्रियां वापस आनगियां, तुहाडे पढ़ाए हुए बच्चे उन्होंने कोई आउटसोर्सिंग करेगा, कोई फैक्ट्री के बड़े बड़े अहदों से होगा, तो तुहानू बहुत खुशी होगी। मैं तुहानू सारयां नू बहुत बहुत बधाई दिना इस गल लई कि तुसीं इन्नी भारी गिणती च अज इत्थे आए हो। तो बस आइडियाज़ जिहड़े ने उहदी इक पोर्टल शुरू करना है, जो मैं क्लिक कर दिना उहनू स्क्रीन ते आ जाऊगा, जिथे तुसीं आइडिया शेयर कर सकते हो, जिथे तुसीं आओ जी। हाँ लो क्लिक कर दी करो, क्लिक आ गया। ये जिहड़ा पोर्टल है तुसीं ऑनलाइन अपने सजेशन जिहड़े ने यही इहो जी स्क्रीनां तुहाडे सरकारी स्कूलों भी लगनगियां, ऑनलाइन तुसीं भी पढ़ाओगे, तुसीं भी बच्चों नूं लैपटॉप भी देवांगे, बच्चों नूं टैबलेट्स देवांगे, ते ताकि आपां नूं ये पता लग सके कि दुनिया दे विच जिहड़ा लेटेस्ट टैक्नोलॉजी जिहड़ी है वह कित्थे जा रही है, ते साडे बच्चों कोल भी होवे हो। ते मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा सिक्ख्या मंत्री साहब का और सैकटरी साहब का, सारे मेरे विधानसभा के साथियों का, और तुहाडा खास तौर पर कि तुसी बहुत ही छोटे सदे ते आए हो। तो मैं तुहानू बहुत बहुत शुभकामनावां भी दिना कि हजे काफ़ी टाइम पिया है, हजे कुछ पंजाब बहुत बारी डिग्गया है पर पंजाब बहुत बारी उठ्या भी है, तो पंजाब नू आपां पढ़दा पंजाब बनाउणा आपां। तो बाकी सब कुछ क्योंकि जे मैं स्कूलों लिखा होया कंधा ते पढ़िया है कि जे तुसी छोटियां वास्ते स्कूल बना दोगे तो वड्डियां वास्ते जेड़ा बनाउण दी लोड़ नहीं पैनी, क्योंकि एजुकेशन जिहड़ी है वह किसी ना किसी काम ते लाऊगी। मैं तुहानू सारयां नू बहुत बहुत बधाई दिना, किसी की शान के खिलाफ कोई लफज बोलिया गया होवे उहदे लई माफ़ी चाहुंदा, बहुत बहुत मेहरबानी, सति श्री अकाल सारयां नू। तो आप सुन रहे थे सीएम भगवंत मान का संबोधन, जिसमें बच्चों की शिक्षा को और बेहतर किस तरीके से बनाना है, पूरा फोकस उनके संबोधन में ये रहा कि हम बच्चों को केवल पढ़ाएंगे नहीं बल्कि इसको इस लायक शिक्षित करेंगे कि वो आगे चलकर अपने जीवन को सफल बनाए, तो आगे जेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करेंगे। और साथ ही पढ़ता पंजाब हम बनाना चाहते हैं और हमें अपने प्रदेश के बच्चों के टैलेंट पर पूरा भरोसा है।